यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। आज की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ उरूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं कानिका इम्तियाज। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने कहा है कि सन्नतों के फरोग के लिए 10,000 एकड़ पर 9 सन्नती मराकज कायम होंगे। स्माल इंडस्ट्रीज के लिए गुजरावाला में 150 और वजीराबाद में 63 एकड़ अराजी फराहम कर दी गई है। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश और तेज हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में कई जगह धूप होने के बावजूद हल्की बूंदाबांदी हुई है। कई सड़कों पर बारिश के बाद फिसलन पैदा हो गई, जिसके बायस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर हादसे का शिकार हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने मुल्क में करप्शन की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर भी आयद करते हुए कहा कि सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज ऐसे मंसूबे बनाते हैं जो पूरे ही नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। दौरे में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और सिंध के तरक्याती पैकेज का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोपहर 1 बजे के बाद कराची पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहर की सियासी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्जे की पहली किस्त जारी कर दी गई। पाकिस्तान को पहली किस्त 99.10 करोड़ डॉलर की मिली है। आलमी इदारे की जानिब से किस्त मिलने के सबब पाकिस्तान के ज़रे मुबादला के ज़खायर 15 अरब 4 करोड़ 31 लाख डॉलर हो गए हैं, जबकि स्टेट बैंक के पास 8 अरब 19 करोड़ डॉलर हो गए हैं। कराची में गुज़श्ता रात कत्ल किए गए निजी TV के नौजवान एंकर पर्सन मुरीद अब्बास का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके मुताबिक मकतूल को 4 गोलियां मारी गईं जो कि सीने, कमर और हाथ पर लगी हैं। मकतूल मुरीद अब्बास का पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में डॉक्टर शहजाद अली ने किया। डॉक्टर के मुताबिक मुरीद अब्बास की मौत सीने पर गोलियाँ लगने से हुई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।